नाजरीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो में हम आपको मशहूर ज़माना तुर्किश ड्रामा कुरुलुश उस्मान में अलाउद्दीन पाशा का किरदार निभाने वाले नन्हे तुर्किश अदाकार के बारे में बताएंगे कि दरअसल ये असल ज़िंदगी में कौन है और क्या करते हैं, क्या इनका ताल्लुक तुर्की से है और अगर हाँ तो तुर्की में कौन सी जगह रिहाइश पजीर है, इनका असल नाम क्या है और सबसे अहम बात कि क्या ये मुसलमान भी हैं या नहीं। इसके अलावा बाला खातून से इनका क्या रिश्ता है। तो यही सब कुछ आज की हमारी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हसब रवायत नए आने वाले सामाइन से हमारी गुजारिश होती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। नाजरीन ग्रामी, कुरुलुश उस्मान में अलाउद्दीन पाशा का किरदार निभाने वाले अदाकार का असल नाम यमन शिनार बालची है, जो कि तुर्की के एक नहायत ही आला शानदार और मशहूर मारूफ चाइल्ड एक्टर और मॉडल हैं। नाज़रीन ग्रामी, इनकी पैदाइश सन 2009 में तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुई और आजकल भी ये तुर्की के यूरोपीय शहर यानी इस्तांबुल में ही रिहाइश पजीर हैं। इनकी उम्र 12 बरस है। इसके अलावा इनका जोडियक साइन स्कॉर्पियो है। नाज़रीन ग्रामी, ये आजकल अपनी इब्तदाई तालीम तुर्की प्राइमरी स्कूल से हासिल कर रहे हैं और ये फिलहाल 7th स्टैंडर्ड में है। आप इनकी उम्र पर न जाइएगा, इन्होंने तुर्की के लिए बहुत सारी खिदमात अंजाम दी है। ये तकरीबन 4 से ज्यादा मशहूर मारूफ तुर्किश ड्रामों में काम कर चुके हैं, जिनमें इनका किरदार ग्रेट सलजूक में बहुत ज्यादा मकबूल हुआ। इसके अलावा चाइल्ड ऑफ सेल्वी और द रेड रूम में भी इनके किरदार को लोगों ने खूब पजीराई दी। नाज़रीन ग्रामी, आजकल ये तुर्किश ड्रामा कुरुलुश उस्मान में बतौर अलाउद्दीन पाशा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में इनकी वजह शोहरत भी यही ड्रामा यानी कि कुरुलुश उस्मान है। अब अगर बात इनके तुर्किश खुबरू अदाकारा बाला खातून से रिश्ते की करें तो बाला खातून इनकी दूर की रिश्तेदार हैं। नाजरीन, अब अगर बात इनकी हाइट की जाए तो इनकी हाइट 4 फीट 2 इंचेस है, जबकि इनका वेट 27 kg है। इनका आई कलर ब्राउन जबकि हेयर कलर ब्लैक है। इनका ताल्लुक दीन इस्लाम से है। इसके अलावा पियानो बजाना, शॉपिंग और फोटोग्राफी इनके दिल पसंदीदा शौक हैं। तो नाजरीन, यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसने आपको महसूस किया होगा। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।